क्या आप भी जानना चाहते हैं कि बाइक को आप एक टायर पर कैसे चला सकते हैं, या इस गाड़ियों को मैंने हवा में कैसे रखा, और अपने मॉन्स्टर को आप कैसे बना सकते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर, और अपने दोस्त को बरमूडा से सीधा लॉबी तक पहुंचाने की ट्रिक इस वीडियो में है, तो बने रहे हमारे साथ। यो वेलकम भाई लोगों, कैसे हो भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग इतना सपोर्ट करने के लिए। हमारे होने वाले हैं 50,000 सब्सक्राइबर, और जैसे ही होंगे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर, मैं करने वाला हूँ भाई Q&A + फेस रिवील। तो जल्दी से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, फिर देखो भाई लोगों मजे ही मजे। और इसी के साथ पहला कमेंट पढ़ लेते हैं हम। ये पहला मिताज का, शुरू भाई का। शुरू भाई लिखते हैं, पानी वाली गाड़ी को किसी भी ट्रक के पीछे सेट करो और लीव कर दो, फिर आप ट्रक के अंदर। ओके, अगर ऐसा है तो भाई मजा आ जाएगा भाई, फिर तो रैंक पुश करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, ट्राई करते हैं जो शुरू भाई ने बोला है। जैसा कि शुरू भाई ने बोला, मैं ट्रक के पीछे ले आया हूँ इस गाड़ी को, पानी में तैरने वाली गाड़ी यही है। ओके, अब लीव करता। ओ भाई साहब, ओके सच में भाई ट्रक के अंदर आ गया भाई। ये देखो भाई लोग, ट्रक के अंदर आ गया मैं। अब भाई बाहर कैसे निकलूंगा भाई? अंदर से फायर कर सकते हैं क्या है? भाई मैं गन नहीं लेके, और सामने कोई एनिमी भी नहीं है यार। भाई यार बाहर के तरफ निकल निकल के देखता भाई, इधर से तो नहीं निकल पा रहे हैं यार। ओके, ये यहां से निकल गया हूं भाई। ओके, अंदर जाना भी आसान, बाहर आना भी बहुत ईजी है भाई। गुड भाई, अच्छा मिथ था भाई, ये मिथ हो चुका है कन्फर्म। थैंक यू स्वरूप भाई। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट कमेंट है अरुण सरधारा, शाउट आउट भाई। भाई लिखते हैं, अगर आप क्रोनो की एबिलिटी कैसे भी करके एक बार में दो बार यूज कर लेते हो तो उसकी शील्ड कभी नहीं जाएगी। ओके, ये मैं और मेरा दोस्त CS में खेल रहे थे और ये ग्लिच होगा। अगर ये भाई अगर सही है ये ग्लिच, तो भाई फिर तो मजे हो जाएंगे भाई, क्योंकि BR रैंक में कोई भी टॉप पर जाके दो बार उसे बस क्रोनो की शील्ड यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद तो वो शील्ड कभी टूटेगी ही नहीं, और नीचे से कोई उसको कभी डैमेज ही नहीं दे पाएगा भाई, फिर ये चेकआउट करना बनता है। ओके, हम चेकआउट करते हैं क्रोनो की एबिलिटी दो बार यूज़ करके। ओके, जैसे कि भाई ने बोला था CS, तो CS स्टार्ट होते ही मैंने पहले यूज़ कर लिया क्रोनो की शील्ड, और ये आ चुकी है। उसके बाद मैंने फायर वगैरह कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा जल्दी नहीं थी मुझे, मैंने सोचा राउंड कम्प्लीट नहीं करते हैं जब तक कि ये दोबारा से यूज़ करने लायक ना हो जाए क्रोनो। एक एक करके सारे के सारे मेरे टीममेट नॉक पे नॉक हुए जा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं सेकंड बार यूज़ करना चाह रहा था भाई क्रोनो। ओके, यूज़ होने वाला है, मैं वेट करता हूँ। और ओके, अब जाता हूँ उसके भाई टीममेट को रिवाइव करता हूँ क्रोनो की शील्ड लगा के। क्या बता भाई, लगी रहे हमेशा ही तो मज़े हो जाएंगे भाई। ओके, रिवाइव कर दिया है, देखते हैं भाई ये क्रोनो की शील्ड कितनी देर रहती है। ओके, जिसको रिवाइव किया है उसके पास नेटवर्क ही नहीं है भाई। यार किस भाई, ये तो गया यार, क्रोनो की शील्ड भी गई भाई, नहीं हो रहा यार, नहीं हुआ, क्रोनो की शील्ड गई भाई, अनलिमिटेड क्रोनो की शील्ड नहीं बनी। ओके, इसी के साथ ये मिथ गलत है भाई। ओके, हम इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। ये कमेंट है VIP पैराडॉक्स भाई की। भाई लिखते हैं, नोट पहला इतनी HP रखो जितने में एक मेड किट मारा जाए, फर्स्ट मेड किट लगाओ। ओके, जब फर्स्ट मेड किट लग रही हो तब मेड किट वाले बटन पर टैप करते रहो, जब सेकंड मेड किट लगने लगे तो मेड किट का एनिमेशन ना आए तब इमोट करो, देखो जादू, आप इमोट प्लस मेड किट कर सकते हो। ओके, करके देखते हैं भाई। पहले होता था भाई इमोट प्लस मेड किट, भाई मजा आता था भाई। के जैसे कि भाई ने बोला है, मैं आ गया हूँ गेम में, अब मेड किट लगाने जितनी HP है, और मैंने मेड किट लगाई है पहली, और लगाते लगाते मैं टैप पे टैप टैप पे टैप टैप पे टैप कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आया एनिमेशन। और भाई ओके, सच में भाई, बट भाई पहले की तरह नहीं हुआ यार, ये पहले की तरह नहीं हुआ यार। पहले मेड किट लगा रहा था भाई, हाथ भी भाई मेड किट की तरह चलते थे और बाकी इमोट चलता था, बट वो बात नहीं है, फिर भी मजा आया भाई, मेड किट प्लस इमोट हुआ है भाई, ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है भाई। थैंक यू भाई। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट भाई लिखते हैं, रैपिडॉक्स विलन भाई हैं, लिखते हैं भाई, लैंडिंग के वक्त जॉयस्टिक को होल्ड करके रखो, देखो मैजिक, मैं विलन नेक्सस, आई नो ब्रदर कौन हो आप, शाउट आउट भाई विलन भाई नेक्सस भाई। चेकआउट करते हैं जो भाई ने बोला है। ओके, मैं लैंड कर रहा हूँ, मैंने जॉयस्टिक को होल्ड रखा है, देखते हैं भाई क्या होता है उतरने के बाद, क्या हो जाएगा भाई जॉयस्टिक होल्ड रखने से। ओके, थोड़ा जल्दी उतरता है वो तो मुझे मालूम है, बट फिर भी देखते हैं भाई क्या होगा। ओके, ये लैंड करा है, और ये टेढ़ा भाग रहा भाई, टेढ़ा क्यों भाग रहा भाई। ओके, इधर भी देखता हूँ, इधर भी भगा के। ओके ओके, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था भाई। ओके, टेढ़ा भाग रहा भाई, गुड ब्रदर गुड, ये मिथ बिल्कुल कन्फर्म है भाई। थैंक यू नेक्सस भाई, विलन भाई। ओके, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट कमेंट आ गया भाई, नेक्स्ट कमेंट है भाई, सेम टू यू ब्रो, शाउट आउट भाई, गाड़ी को किसी ऊंची जगह पर लेकर जाओ और वहां नीचे गिरा दो, गिरते वक्त जल्दी से गाड़ी को फोड़ दो,
अगर हवा में ही फोड़ दिया तो वो हवा में ही अटक जाएगी। प्लीज ट्राई, प्लीज प्लीज। ओके ब्रदर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हमको करना पड़ेगा। मुझे पिकअप ट्रक मिला है, मैं ले आया हूँ पिकअप ट्रक, और ये है सबसे ऊंची जगह जो मैंने आज तक देखी है जहाँ पे मैं गाड़ी भी लेकर आ सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा फोड़ लेता हूँ ताकि ये इसको मैं गिरते हुए जल्दी से फोड़ सकूँ। पहले मैं गोली चलाता हूँ भाई, चढ़ के देख लेते हैं कहीं ज़्यादा ना फूट जाए। ओके, अभी भी पड़ा है, और गोली मारते हैं, अभी चकड़ते हैं, अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी दो गोली हम मार सकते हैं, दो गोली और चलाते हैं, अभी चकड़ करते हैं, अभी भी दो गोली मार सकते हैं भाई। ओके, अभी चकड़ कर, ओके रेड लाइन आ चुकी है, अभी हम गाड़ी को नीचे उतारेंगे और गोली से फोड़ देंगे। उतरो और गोली को, ओके, अरे अटक गया भाई, सच में भाई अटक गया, अटक गया, अटक गया भाई, अटक गया। ओके, फूट गया है हवा में ही भाई। उसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ भाई, क्या मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो वो नीचे गिर जाएगा। चेकआउट करते हैं भाई उसके ऊपर जाके। ओके, अरे अरे भाई इसके ऊपर भी अटक गया मैं तो। ओके, ये तो अच्छा हुआ ना, कई बार यहाँ पे जोन बन जाता है और कोई बंदा ऊपर रह जाता है तो भाई उसके लिए तो ईजी हो जाएगा भाई। नीचे गिरते हैं और डैमेज पड़ा है। ओके, इसमें मज़ा आ रहा है भाई, एक और करके देखता हूँ भाई, आसपास ढूंढता हूँ कोई गाड़ी मिल जाए तो भाई। ओके, एक और गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं, इसको भी मैंने रेड लाइन तक ले आया हूँ और नीचे गिराता हूँ और फोड़ देता हूँ भाई। ओके ओके, ये भी अटक गया भाई, ये भी अटक गया भाई। ओके, इसको फूटने देते हैं और उसके ऊपर जंप करूँगा भाई मैं। ओके, अब इसके ऊपर जंप करूँगा भाई, ये मुझे थोड़ा दूर लग रहा है, फिर भी मैं थोड़ा पीछे जाके जंप करूँगा भाई। नहीं पहुंच पाया भाई, कोई बात नहीं भाई, डैमेज पड़ा, फिर भी भाई मज़ा आ गया भाई। ओके, हम अभी नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं भाई, ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है भाई, शुक्रिया भाई, ऐसे मिथ आते हैं तो मज़ा आता है भाई। ओके, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, ये है नितिन गुप्ता, शाउट आउट भाई, चैलेंज फॉर यू, VR में जितना भी टोकन होता है वो सब एक जगह पे जमा करो। ओके ओके, ये तो मैं कर लूँगा भाई, इसके लिए मैंने बना लिया है कस्टम और मेरे सारे दोस्तों को मैंने लगा दिया है, और 200% की स्पीड के साथ भाई लोग लग गए काम पे भाई, कॉइन पे कॉइन मेरे पास लेकर आ रहे हैं सब के सब। ओके, 12 बंदे हैं इसमें भाई, सभी के सभी लगे हुए हैं भाई, स्पीड मैंने इंक्रीज कर दिया भाई, ये बना दिया भाई, भागे फिर रहे हैं सब के सब। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई, आपने सबसे ज़्यादा एक गेम में कितने कॉइन कलेक्ट किए हैं भाई। ओके, इसी के साथ ओके 10K कॉइन हो चुके हैं भाई, 14K कॉइन हो चुके हैं हमारे पास। ओके भाई, नॉक भी हुआ, रिवाइव भी हुआ, सब कुछ चलते हैं भाई। ओके, कॉइन हो चुके हैं भाई 21,000 कॉइन, 25,000 कॉइन हो चुके हैं हमारे पास। ओके, 25,000 कॉइन है, सभी मेरे दोस्त भाई लोग लग गए हैं अपने काम पे। ओके, एक और कॉइन आ चुके हैं भाई, कॉइन बढ़ रहे हैं बट धीरे हो गए। ओके, 29,000 कॉइन हो चुके हैं हमारे पास, और 33,000 कॉइन हो चुके हैं भाई। ओके भाई, सभी लोग लग गए हैं भाई, लगे हुए हैं 35,000 कॉइन भाई। ओके, सभी लोग लगे हैं भाई, जितने मिल रहे हैं कॉइन लेकर आ रहे हैं, कॉइन जितने आ रहे हैं लेकर आ रहे हैं भाई, हो गए हैं हमारे पास कॉइन ही कॉइन भाई। कितनों को रिवाइव करना है बोलो, कितनी बार रिवाइव करना है बोलो, क्या खरीदूँ बोलो। ओके, रिवाइव कर दिया भाई नितिन भाई को, और उसी के साथ लगे हैं फिर भी हम कॉइन के लिए इकट्ठे कर रहे हैं भाई। ओके ओके भाई, अभी भी हो रहे हैं कॉइन। ओके, 44K भाई। ओके 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 भाई, अभी भी कॉइन आ रहे हैं, 47K हो चुके हैं कॉइन भाई। ओके, 47K, देखते हैं कितने कॉइन होंगे, मुझे लगता है भाई टोटल होंगे 15K भाई, 15K कॉइन होंगे भाई, आराम से यार 15K कॉइन होंगे सब के सब मिला के। ओके, अभी जोन बहुत छोटा हो गया था, अभी कॉइन इकट्ठे करने थोड़ा मुश्किल है, तो वो हमने थोड़ा एस्टिमेट लगाया है, टोटल मेरे हिसाब से 50,000 कॉइन होंगे। अभी मैं भाई धीरे धीरे सभी को कॉइन थोड़े थोड़े दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई जितने हो सके हम कॉइन के ढेर लगा देते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा कॉइन के ढेर देखने पे। अभी देखते हैं भाई कैसा लगता है कॉइन के ढेर लगाने पे। मैंने सभी में बांट दिए हैं थोड़े बहुत कॉइन, और मैं भी थोड़े थोड़े कॉइन यहाँ पे गिरा रहा हूँ, देखता हूँ भाई कैसा लगता है भाई। गिरा कम रहे हो, उठा ज़्यादा रहे हो, क्या करो यार, उठाओ गिराओ, उठाओ नहीं गिराओ, गिराओ भाई, भाई गिराओ यार, क्या कर रहे हो यार, गिराते रहो गिराते रहो गिराते रहो भाई। ओके, थोड़ा मज़ा तो आ रहा बट भाई उठा लेते हो यार उतने में तुम लोग यार, भाई गिरा दो कॉइन कॉइन। ओके भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ओके, टोटल 50,000 कॉइन होते हैं भाई। ओके, एस्टिमेट हमने लगा लिया है भाई, टोटल होंगे 50,000 कॉइन बिना किल किए यार, किल करने के बाद तो कुछ किल के भी मिल जाते हैं कॉइन। ओके, ये हमने चैलेंज कर दिया कंप्लीट, और इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कमेंट आ गया है धनु भाई का, धनु भाई शाउट आउट, धनु भाई लिखते हैं, कोटा टाउन में बड़े घर के पास वाले पोल पर मॉन्स्टर चढ़ा के लीव करो फिर देखो। ओके, अभी ट्राई करते हैं भाई। ओके, मैं ले आया हूँ मॉन्स्टर, और इसी बड़े घर के पास ये मेरे को यही पोल दिखा है, तो मैं इसके ऊपर चढ़ा के भाई लीव करना है मुझे, तो चढ़ा देते हैं भाई, कितना ऊपर चढ़ेगा। ओके, बहुत ऊपर चढ़ा और लीव कर दिया भाई। ओपी भाई, अरे मॉन्स्टर नहीं नीचे आया भाई, अरे ये तो स्पाइडर मॉन्स्टर बन गया भाई। ओके भाई, ग्रेविटी कहाँ गई इसमें भाई, ग्रेविटी कहाँ गई भाई इसमें, ये ऊपर कैसे अटक गया भाई, कितनी देर रहेगा, या ये ऊपर ही रहेगा भाई हमेशा ही।
ओके, ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है भाई। धन्नू भाई शुक्रिया भाई, ऐसा मिथ आ जाए तो भाई मजा आता है भाई। इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट कमेंट आ गया है भाई RY*X भाई, देते हैं चैलेंज। भाई ने लिखा है एक टायर पर बाइक चला के दिखाओ। ओके, ये तो हमारे लिए इजी है भाई, मुझको मालूम है भाई एक टायर पर बाइक कैसे चलती है। आप लोगों को मैं भी बताता हूँ कैसे चलती है भाई। बाइक ले आनी है किसी भी पत्थर के पास, हमें इस तरह से बाइक को खड़ा रखना है जिससे भाई अगला टायर बाइक का जाए पत्थर पर, दूसरा टायर ना हो, और हमें ऑटो पायलट के ऊपर या ऑटो ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देना है भाई। और देखो भाई लोग, ये चल गई है भाई हमारी एक टायर पर बाइक, मजे भाई। ओके भाई, थोड़ी चढ़ाई आ गई थी उसी वजह से ये गिर गया है, लेकिन आप बहुत ही दूरी तक चला सकते हैं भाई सामने कुछ भी ना हो तो। ओके, ये हमने चैलेंज कर दिया कंप्लीट, और इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट कमेंट किसका है भाई। ओके, नेक्स्ट कमेंट दोबारा आ गया है स्टैलेक्स भाई, शॉर्ट आउट भाई RY*X UMP गॉड भाई। भाई लिखते हैं बुलसाई में वेंडिंग मशीन के पास वाले लॉन्च पैड को यूज करो और बोर्ड के पास वाले पैड की तरफ से सेट करके फिर लीव कर दो, फिर देखो। ओके, चेकआउट करते हैं भाई, ये थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं भाई क्या क्या करना है हमें, जाके मैं चेकआउट करता हूँ भाई, चलते हैं। मैं आ गया हूँ बुलसाई। ओके, मेरे लेफ्ट साइड में है बोर्ड और बोर्ड के पास ही होगा कोई पेड़, उसी तरफ मेरे को करना है सेट, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है भाई। ओके, मुझे लगता है यही होगा जो भाई ने बोला, यही है भाई वेंडिंग मशीन के पास वाला लॉन्च पैड, और मैंने सेट कर दिया है भाई। ओके, क्या होगा, और अरे अरे कहाँ जा रहा हूँ, अरे भाई यार, अरे एलिमिनेट ही हो गया यार ये, क्या भाई एलिमिनेट कर दिया भाई। ओके ओके, ये जब भाई मैंने भाई मेरे एक दोस्त को दिखाया, भाई को दिखाया, तो उसने बोला यार ऐसी जगह एक और भी है, और उसने भी एक वीडियो भेजी है भाई, और मैंने वो सेम टू सेम किया है, देखते हैं भाई उसमें भी सेम एलिमिनेट हो गया भाई। ये दोनों जगह थोड़ा बच के काम करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, ये तुम लोग अपने दोस्त के साथ भी कर सकते हो भाई। दोस्त को बोलो यहाँ आए और उसको लीव करने का बोलो, और टाटा बाय बाय बरमूडा से सीधा लॉबी में भाई, या वो चिल्लाएगा रिवाइव दे दो, रिवाइव दे दो। ओके भाई, तो ट्राई जरूर करना भाई, ये मिथ बिल्कुल कन्फर्म है भाई, शुक्रिया भाई ये मिथ भेजने के लिए RY*X भाई। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। और भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए यार, इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया भाई, और जल्दी से सब्सक्राइब करो यार हमें भाई, इस साल से पहले 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं।